अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने हाजिर है काबली चने का चाट लेकर। ये है काबली चना, इसको हम रात भर भिगा के उबाल लिए थे थोड़ा नमक डाल के। काबली चने से आप छोले भटूरे और कुछ और डिशेस भी खाए होंगे, पर इंशाल्लाह ये काबली चने का चाट ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी है और बहुत सेहतमंद डाइट है। और अगर कोई डाइटिंग करना चाह रहे तो उन्हों अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में एक टाइम ये चने, ये चाट ज़रूर शामिल करिए। इंशाल्लाह इससे आपकी डाइट भी मज़ेदार हो जाएंगी और सेहत भी रहेगी। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये देखिए अनार है, ये एक छोटा अनार है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा खीरा है, इसको पीसेस कर लिए हम। ये दही है, हरा मसाला, हरी मिर्ची, और इसमें मसाले तो बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, सिर्फ नमक, चाट मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। चलिए इसको मिलाते हैं। ये देखिए हम अनार बहुत चाट में, हर एक चाट में बहुत टेस्ट देता है, आप ज़रूर टेस्ट करके देखिए। खीरा तो हर चाट में होना ही चाहिए, रहता ही है कैसे भी। और दही, ये भी एक बहुत डाइटिंग करने वालों के लिए बहुत सेहतमंद चीज़ है, कैल्शियम वगैरह के लिए भी। हरी मिर्ची अगर आप डालना चाहे तो डालिए, बस इसमें चाट में चटपटा बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आधा चम्मच हम चाट मसाला पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच नमक। नमक हम उबालते वक्त चने में भी डाले थे, ये भी ध्यान रखिए, और जैसा आपके टेस्ट के मुताबिक मिला सकते हैं। कोथमीर पुदीना भी मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चाट बनता है, ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। आप चाय टाइम के साथ इसको अपनी शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। ज़रूर ये बनाइए और आप अपने घर पे और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे तरीके से बनाया गया चाट आपको कैसा लगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारा चाट बनके तैयार हो गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें दुआओं में याद रखिए।